सुवल थाना क्षेत्र के ताड़ीघाट निवासी संतोष सिंह की ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन के बगल में कूलर की फैक्ट्री है। सुबह करीब 5 बजे अज्ञात कारणों से फैक्ट्री में आग लग गई। जब तक लोग आग पर काबू पाने की सोचते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर दिया और करीब 5 फीट आग की लंबी लपटें उठने लगे। सूचना पर फैक्ट्री स्वामी भी वहां पहुंच गए। लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग की लपटें इस कदर थी कि लोग उस पर काबू पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कुछ ही देर में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। बाद में गाजीपुर, जमानिया और मोहम्मदाबाद की फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। अग्निशमन अधिकारी द्वितीय अनिरुद्ध की देखरेख में फायर कर्मी लोगों की मदद से आग बुझाने में जुट गए। काफी प्रयास कर 5 घंटा बाद करीब 10 बजे आग पर काबू पाया। आग की इस घटना में सैकड़ों कूलर, एक पिकअप, जनरेटर, नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री स्वामी संतोष सिंह ने बताया कि आग की इस घटना में करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। पुलिस ये मत का लगल हो जाए पुलिस फसे बता दें। मैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी, जो आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या देखा और कैसे आपने काबू पाया? यहाँ पर आए तो देखा गया कि मतलब यहाँ पर आग लगी हुई थी, तो तुरंत हमने तीनों यूनिट को, जमनिया और मोहम्मदाबाद और लाइन जो पुलिस लाइन में हमारी यूनिट है, तीनों यूनिटों को हमने बुला लिया और जो हमारे पास पानी था उससे प्रयोग किया गया। फिर बाद उसको व्यवस्था करके उसे ट्यूबवेल से पानी प्राप्त करके आग को बुझाया जा रहा। कैसे सूचना मिली आपको? हमको चार्ली द्वारा कंट्रोल रूम से सूचना मिली, जिसको हमने तीनों फायर स्टेशनों को। फिलहाल क्या स्थिति है? इस समय बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना भी नहीं हुई है और जो है आग कंट्रोल। सूचना कितने बजे मिली और कितने बजे पहुंचे हैं? अब तो हमारी जीडी में है, जब सूचना मिली हम लोग देखते नहीं, तुरंत चल देते हैं। कितने का नुकसान हुआ तरीके? अब नुकसान तो इसके बाद आकलन बाद में होगा, जब आग बुझ जाएगी उसके बाद आकलन बाद में। में कुछ संसाधनों की कमी है क्या? ऐसा मेरे पास संसाधन है लेकिन चालक की कमी है, जो कि 9 हमारे यहाँ 9 चालकों की आवश्यकता है, जिसमें 3 चालक। लोगों का कहना है कि सूचना समय से दी गई लेकिन आप लेट पहुंचे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सूचना हमको मिलती है तुरंत हम चल देते हैं। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बता दें, संतोष सिंह, ये जो सावित्री फाइबर इंडस्ट्रीज ताड़ीघाट, ये आग कैसे लगी और लगभग कितने का आपने आकलन किया होगा नुकसान का? मेरे पास जो है करीब 5,000 स्टॉक था कूलर का, फिनिश गुड्स 5,000 का कम कम स्टॉक था और उसके बाद रॉ मटेरियल था मेरे पास। कितने का नुकसान हुआ? कितना लगभग आकलन क्या कर रहे हैं आप? करीब लगता है कि 1.5 से 2 करोड़ का तक। तो ये आग कैसे लगी भाई साहब? अब आग तो सर हमको भी नहीं पता कैसे लगी है। कितने बजे आग लगी है? करीब बता रहे हैं लोग, जो देखने वाले लोग बता रहे हैं कि करीब 4:30 बजे। सूचना लोग बताए हैं कि दमकल काफी सूचना के बावजूद देर से आया। जी, दमकल सूचना के बावजूद काफी देर से आया। हाँ, काफी देर से आया, काफी देर, हमको लगता है कि 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया। अभी क्या स्थिति, आग को काबू पाया गया है कि नहीं? अभी स्थिति चल रही है, देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप जो देख लीजिए कि क्या स्थिति है, और लगभग खत्म ही हो चुका है। कूलर जो फैक्ट्री कब से आप संचालित? 2008 से। 2008 से